अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीम चौधरी है। मैं 1982 का किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। 1983 में मैं अमेरिका चला गया। वहाँ पे मैंने पहले अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस की और उसके बाद साइकाइट्री में रेजिडेंसी और फेलोशिप करने के बाद मैंने अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन हासिल की और मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान वापस आया हूँ। जब मैं इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो मरीज़ मेरे पास आ रहे थे उनको बहुत से ज़हनी नफसियाती दिमागी अमराज थे। मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ और वैसे भी अगर देखा जाए तो दिमाग जो है इंसान के जिस्म में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इवन दो कि इसका वज़न सिर्फ 3 पाउंड है जो कि बॉडी का 2% बॉडी वेट है, लेकिन ये देख लें कि इसमें इतने प्रोसेस हो रहे होते हैं कि एक दिन में इसमें 50,000 से ज़्यादा हमारे ख्यालात आते हैं और बहुत सारे इसकी जो है ज़रूरियात हैं वो बॉडी की ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा हैं। सो इसको मैंने अहमियत दी और साइकाइट्री को मैंने एज़ ए प्रोफेशन अपनाया। मेडिकल कॉलेज के ज़माने में और उससे पहले मैंने टैलेंट स्कॉलरशिप पाकिस्तान में मुझे मिले, अमेरिका में बोर्ड सर्टिफिकेशन और उसके बाद मैं बारहा वहाँ पे एज़ ए टॉप डॉक्टर और एज़ द बेस्ट डॉक्टर के मुझे एज़ाज़ मिले और मैं वहाँ पे बहुत साल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री न्यूरोलॉजी के मैंने ड्यूटीज़ अंजाम दी। 34 साल मैंने अमेरिका में प्रैक्टिस की और जब भी मैं पाकिस्तान आके विज़िट करता था अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को तो मुझे एहसास होता था कि यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ और जो साइकाइट्री के जो ट्रीटमेंट हैं या जो उसके हाल अहवाल हैं उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा काम होने वाला है। तो मैंने एहसास किया कि अब मेरा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पहुँच के कुछ ना कुछ किया जाए इस हवाले से भी, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ जिनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे मेरा फोकस है और ख़ास तौर पे बच्चों और टीनेज बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, और डिप्रेशन की यहाँ बहुत बीमारियाँ हैं और नशा व दवाइयों का बहुत यहाँ पर इस्तेमाल है। और मेरी जो अप्रोच है ट्रीटमेंट की वो उसको मैं कहता हूँ कि ऑल इंक्लूसिव अप्रोच है। उसमें मेरी जो हमेशा से कोशिश रहती है और रहेगी इंशाल्लाह वो ये है कि मैं बीमारी के रूट काज तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि इसके जो वजूहात हैं उन तक पहुँच के फिर उनको सामने लाया जाए और उनके ऊपर मरीज़ को गाइड किया जाए। और उसमें मैं मरीज़ को भी इन्वॉल्व करता हूँ और उनकी फैमिली को भी कोशिश करता हूँ कि इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक मेंटल इलनेस जो है वो सिर्फ एक पर्सन की इंडिविजुअल की वो इशू नहीं है, उसमें पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, उसमें पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है और इसकी जो फाइनल आउटकम है उसमें बहुत से लोग जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही अहम इशू है और इसकी वजह बुनियादी वजह यही है कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा यहाँ पर इंशाल्लाह। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है बहुत से स्ट्रेसेस हमारी ज़िंदगी में शामिल होते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो नफसियाती या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनका जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, और उसके हवाले से पाकिस्तान में भी ये सेम हालात हैं। जो कॉमन कंडीशन जो हम देखते हैं उसमें डिप्रेशन सबसे नंबर वन है, उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ या दवाइयों का नशा व दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बाइपोलर कंडीशन एक कंडीशन है जिसमें मरीज़ को बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, और उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है। बच्चों में आप देखें कि अटेंशन डेफिसिट के बहुत इश्यूज़ हैं, स्कूल और कॉलेज की परफॉर्मेंस के बहुत इश्यूज़ हैं, फैमिली की ब्रेकअप हो रही है और जो कि ज़िम्मेदार लोग हैं फैमिली में उनके ऊपर इतना प्रेशर और स्ट्रेस होता है कि उसके वजह से वो अपना जो एक रोल है वो अदा नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें मेरे नज़दीक साइकाइट्रिस्ट का एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट जो है अपनी ट्रेनिंग की वजह से और अपनी मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से वो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन है जो कि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं पेशेंट को और उनकी फैमिली। डिप्रेशन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन और सीरियस और मेरे नज़दीक ये एक जानलेवा बीमारी है। इसको बहुत से लोग जो हैं वो अहमियत नहीं देते, समझते हैं कि चलें ये बंदा थोड़ा सा डाउन हो गया या इसका मूड थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया में आप देख लें कि हज़ारों लोग रोज़ाना जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं, वो नशा और दवाइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी जो पर्सनल फैमिली लाइफ है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिप्रेशन एक बहुत ही ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, इसकी बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास,
हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके तो इसका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है। डिप्रेशन के कई टाइप्स हैं, कॉमन टाइप को हम मेजर डिप्रेशन कहते हैं, उसकी भी कई आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सवियर है, और उसके अलावा फिर डिस्थाइमिया होता है जो कि क्रॉनिक डिप्रेशन है जो कि कई साल तक जो है वो रह सकती है, और उसके अलावा ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो है बच्चों की पैदाइश के बाद एक डिप्रेशन आती है, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो कि इंतहाई सीरियस हो सकती है। हमने देखा कि कई दफ़ा जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को इवन कत्ल कर देती हैं या उनको मार देती हैं या उनकी केयर नहीं कर पाती हैं इस वजह से, या वो अपनी जान दे देती हैं। और इसके अलावा बच्चों में डिप्रेशन बहुत कॉमन है और ये बहुत अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्लियर जो ट्रीटमेंट है वो उसका मोस्ट इफ़ेक्टिव है। जितना आप उसको डिले करेंगे या उसको मेडिकेशन से या साइकोथेरेपी से इलाज नहीं करेंगे तो उसमें इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, और इसकी जो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो डेथ है, वो सुसाइड है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि जो हैं हमारी आवाम या जो हमारे जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जीपीज हैं, ये उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो डिप्रेशन को अर्ली पिक करें और उसको जो है प्रॉपर तरीके से रेफ़र करें साइकाइट्रिस्टों के पास या मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के पास, ताकि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इसी हवाले से बच्चों के बारे में मैं जो अहम बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी कि बच्चे जो हैं वो एक बड़े बंदे का एक मिनिएचर है या उनका छोटा एक वर्जन है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। बच्चों की एक अपनी यूनिक नीड्स होती हैं, उनकी एक अपना तबीयत है, उनकी अपना मेडिकल नीड्स है और उनका अपना एक सोच का अंदाज है। सो बच्चे जो हैं वो अडल्ट की तरह हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते या ग्रोन अप की तरह। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये ज़रूरी है कि वालदैन या स्कूल में टीचर्स या जो भी लोग उनके केयर टेकर्स हैं वो इस चीज़ को ख्याल रखें कि अगर उनकी तबीयत में कोई चेंज आ रही है, वो स्कूल में अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं या उनके ग्रेड जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं या उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं या वो सही तरह से सो नहीं पा रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या उनके वज़न में बहुत चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी अलामत जो हैं ये आप एक तरह से देख लें कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस की अलामत हैं, और इसकी मेन वजह जो है वो डिप्रेशन हो सकती है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकती है, वो अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर गौर करें कि उनको जितनी जल्दी भी हो सके उनको मेंटल हेल्थ या साइकाइट्रिक के पास लेके जाएं अगर ये सिम्टम्स और ये अलामत उनमें पाई जाएं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो आप मरहम के ज़रिए उनकी वेबसाइट या उनकी ऐप या उनके कॉल सेंटर के ज़रिए आप कॉल मिला सकते हैं।